गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड न्यू टॉपिक वन एंड मैनी इन ग्रामर बुक सेकेंड चैप्टर नेम इज वन एंड मैनी। स्टूडेंट्स, वन एंड मैनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन एंड मैनी? सो लिसन केयरफुली। व्हेन समथिंग इज वन इन नंबर, इट इज सेड टू बी सिंगुलर। व्हेन समथिंग इज वन इन नंबर, इट इज सेड टू बी सिंगुलर नंबर। ओके, जब हम किसी वन नंबर की बात करते हैं तो वो क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स एक वचन, यानी किसी एक चीज़ के बारे में बात की जाए। एग्जांपल, आई हैव वन पेंसिल। वन पेंसिल मतलब वन नंबर, मीन्स सिंगुलर नंबर। नेक्स्ट, व्हेन समथिंग इज मोर देन वन और मैनी इन नंबर। व्हेन समथिंग इज मोर देन वन और मैनी इन नंबर, इट इज सेड टू बी प्लूरल। मीन जब हम किसी की मोर देन वन, वन से अधिक की बात करते हैं तो वो क्या होता है? मैनी इन नंबर। यानी वन से जो ज़्यादा होते हैं, 2, 3, 5, 6, 7, 8 या 100,000 मिलियंस जितने भी होते हैं, वो क्या होते हैं? मैनी नंबर। और मैनी नंबर को क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरल। वन नंबर सिंगुलर एंड मैनी नंबर प्लूरल। स्टूडेंट्स, वी एड एस। वी एड एस एट द एंड ऑफ अ नेमिंग वर्ड टू शो दैट समथिंग इज मोर देन वन इन नंबर। नेमिंग वर्ड जैसे आपका है फ्लावर, रोज, नेमिंग वर्ड, हमने उसमें ऐड कर दिया एस, रोजेज। यानी रोज तो वन रोज की सिंगुलर की बात कर रहा है, लेकिन जब हम उसमें एस या ई एस ऐड कर देते हैं तो वो किसका सेंस देता है बेटा? प्लूरल का, यानी वन से अधिक। किसी भी नेमिंग वर्ड में एस या ई एस ऐड करने पर वो मैनी बन जाता है, यानी कि वो प्लूरल नंबर हो जाता है। सी हेयर स्टूडेंट्स, हाउ मैनी टॉफीज आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5 फाइव टॉफीज। अगर बेटा यहाँ पे वन होती, वन टॉफी होती, तो हम क्या राइट करते? वन टॉफी। यानी हम यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाते, लेकिन वन से अधिक है, मोर देन वन, तो फाइव है, तो क्या लगाया हमने? एस, टॉफी के आगे एस, तो क्या बन गया बेटा? ये प्लूरल। थ्री काइट्स आर देयर, थ्री काइट्स। तो आप बताओ मुझे बेटा, वन होता तो हम वन काइट्स राइट करते या काइट? काइट, क्योंकि वन है सिंगुलर नंबर, इसलिए हम काइट, लेकिन वन मोर देन वन तो थ्री नंबर हो गया, थ्री प्लूरल नंबर, तो काइट्स। ओके, वन पेंसिल, नॉट पेंसिल्स। वन है तो हमने सिंगुलर नंबर में क्या राइट करना है? एस या ई एस हम ऐड नहीं करते। ओके, नेक्स्ट, टू कॉम्ब्स, यानी मोर देन वन, तो हमने कॉम्ब के आगे क्या ऐड कर दिया? एस, तो कॉम्ब्स क्या बन गया? प्लूरल, यानी मैनी नंबर। वन रोज, रोज कितना है? वन, तो हमने एस और या ई एस ऐड नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पे टू होते बेटा, तो हम टू के आगे क्या करते? रोजेज, वो यानी कि मैनी फॉर्म हो जाता, प्लूरल नंबर। सी हेयर स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर। वन बुक एंड हेयर मैनी बुक्स, यानी कि वन बुक सिंगुलर नंबर है, तो हमने बुक के आगे एस या ई एस नहीं लगाया। लेकिन बेटा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बुक है, फोर मीन्स मैनी बुक्स, हमने बुक के आगे क्या ऐड कर दिया? एस। वन बुक सिंगुलर नंबर एंड मैनी बुक्स प्लूरल नंबर, मैनी प्लूरल नंबर। वन फ्रूट एंड थ्री फ्रूट मीन्स मैनी फ्रूट्स, नॉट फ्रूट। वन है सिंगुलर नंबर तो फ्रूट, लेकिन 1, 2, 3 थ्री फ्रूट्स आर देयर मीन्स मैनी फ्रूट्स, यानी कितने हैं? प्लूरल नंबर, हमने फ्रूट के आगे क्या ऐड कर दिया? एस। नेक्स्ट, वन हाउस, कितने? सिंगुलर नंबर, यानी वन नंबर वन हाउस, हमने हाउस के आगे एस या ई एस ऐड नहीं किया, क्योंकि ये सिंगुलर है। आगे टू, यहाँ पे मोर देन वन, यहाँ वन हाउस और यहाँ पे टू हाउस, तो हम इसको टू हाउस राइट करेंगे बेटा या हाउसेज? हाउसेज, क्योंकि मोर देन वन, वन से अधिक हैं, तो हमने हाउस के आगे क्या ऐड कर दिया? एस,
मैनी हाउसेस प्लूरल नंबर, वन कैमल, लेकिन यहाँ पे थ्री है बेटा तो क्या हो जाएगा, मैनी कैमल्स, वन नंबर सिंगुलर एंड मैनी नंबर प्लूरल, वन कैमल ओनली एंड मैनी कैमल्स, तो हमने क्या ऐड कर दिया एस। रीड दिस टेबल एंड लर्न दिस टेबल, वन एंड मैनी, पिन, पिन के आगे पिन नेमिंग वर्ड है बेटा, हमने क्या ऐड किया एस, पिन्स, बहुत सारी पिन बन गई। कैप, वन कैप यानी सिंगुलर नंबर, लेकिन हमने क्या ऐड कर दिया एस यानी कैप्स, बहुत सारी कैप। लैम्प, लैम्प के एंड में हमने क्या किया वन, सिंगुलर नंबर बेटा लैम्प, लेकिन एस ऐड करते ही क्या बन गया मैनी। बैग, वन सिंगुलर नंबर बैग्स, मैनी प्लूरल नंबर। टॉय, वन सिंगुलर नंबर टॉयज, मैनी प्लूरल नंबर। बर्ड, वन सिंगुलर नंबर एंड बर्ड्स, मैनी प्लूरल नंबर्स। जार, सिंगुलर नंबर एंड जार्स, प्लूरल नंबर। बोतल, वन सिंगुलर नंबर एंड बोटल्स, मैनी प्लूरल नंबर। स्टूडेंट्स रीड एंड लर्न दिस टेबल, ओके, आपको केयरफुली आपको रीड करना है और उसको लर्न करना है कि कैसे हमने वन में सिंगुलर में एस या ई एस ऐड करने पर वो कैसे प्लूरल बन जाते हैं। सी हेयर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, नाउ रीड दिस टेबल वन एंड मैनी। फोक्स, फोक्सेज, डिश, डिशेज, ड्रेस, ड्रेसेज, बस, बसेज, टमाटो, टमाटेज, पटैटो, पटैटेज, वॉच, वॉच, ड्रेस एंड ड्रेसेज, वॉचेज, ड्रेसेज। स्टूडेंट्स वी ऐड एस और ई एस टू द नेमिंग वर्ड्स टू शो मोर देन वन। जब हम नेमिंग वर्ड्स के एंड में एस या ई एस लगाते हैं तो वो हमें मैनी फॉर्म में दिखते हैं, यानी हमें मैनी फॉर्म के बारे में उनका क्या दिखता है हमें, शो मोर देन, हमें वो वन से अधिक होने का हमें पता लगता है। वी ऐड ई एस टू द नेमिंग वर्ड वर्ड्स एंडिंग इन। बेटा हमने अभी रीड किया था कि हम एस लगाने पर सिंगुलर नेमिंग वर्ड में हम एस ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है प्लूरल, लेकिन आपको जैसे फोक्स, फोक्स में क्या ऐड किया है बेटा एस नहीं ई एस ऐड किया है, तो ई एस ऐड आपको कैसे पता चलेगा कि हमें एस लगाना है या ई एस। जैसे यहाँ पे कार होता तो हम क्या ऐड करते सी ए आर कार, एस कार्स बन जाता, लेकिन फोक्स है बेटा हमने ई एस क्यों ऐड किया, तो आपको नेमिंग वर्ड के एंड में एक्स, एस एच, डबल एस, एस एंड टी सी एच टू शो मैनी। अगर हमें नेमिंग वर्ड के एंड में एक्स, एस एच, डबल एस, एस, टी सी एच हमें मिलते हैं तो हम उसके आगे ई एस लगाते हैं, जैसे एफ ओ एक्स, फोक्स, एक्स, तो हमें क्या लगाना है यहाँ फोक्स ई एस। डी आई एस एच, हमें क्या मिला एंड में एस एच, एस एच, तो हमने डी आई एस एच हमें ऐसे लिखना है डिश, और उसके आगे हमें क्या ऐड करना है ई एस, तो क्या बन गया बेटा टीसेज। ऐसे ही डी आर ई डबल एस, डबल एस, तो हमें डबल एस है डी आर ई डबल एस, ऐसे ही नेमिंग वर्ड राइट करना, उसके बाद क्या ऐड करना है ई एस। ओके बेटा ऐसे ही बस, एस, हमें बस उसके आगे बस को राइट करके उसके आगे ई एस राइट करना है। ऐसे ही टमाटो, हमें इसके आगे ई एस, पटैटो ई एस, वॉच, वॉचेज, ड्रेस, ड्रेसेज। आपको बेटा लर्न रखना है, याद करना है कि हमारे नेमिंग वर्ड्स के एंड में आपको एक्स, एस एच, डबल एस, एस, टी सी एच ये वर्ड्स मिलते हैं तो आपको मैनी फॉर्म बनाने के लिए उनके एंड में ई एस आपको लगाना है। ओके, रीड दीज वर्ड्स पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ द वर्ड्स दैट मीन मैनी। आपको उन वर्ड्स के आगे टिक लगाना है जो आपको मैनी फॉर्म में दिख रहे हैं, यानी जो मैनी फॉर्म की बात कर रहे हैं वो सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल हैं। देखिए रोजेज, एस, अगर सिंगुलर होता तो रोज, रोजेज, तो मैनी फॉर्म है ई एस, एस लगा हुआ है तो यहाँ पे हमें टिक करना है।
ऐसे ही गर्ल्स, एस लगा हुआ है, गर्ल वन की बात और गर्ल्स मोर देन वन, तो ये भी क्या है बेटा, प्लूरल यानी मैनी। स्टार ये आपका सिंगुलर है यानी मैनी फॉर्म नहीं है, तो हमें यहाँ पे टिक नहीं लगाना। ऐसे ही बैग्स, एस लगा हुआ है तो मैनी फॉर्म, तो हमें यहाँ टिक लगाना है। इरेजर, इरेजर यानी वन की बात कर रहा है, सिंगुलर मैनी फॉर्म नहीं है, तो यहाँ हमें टिक नहीं लगाना है। काइट्स, एस यानी मैनी फॉर्म। फैन वन नंबर, हैट नो एस ई एस वन नंबर, रिवर्स एस एंडिंग में क्या है एस, तो बेटा मैनी फॉर्म, हमें यहाँ पे टिक लगाना है। एच ओ टी ई एल होटल, ये भी क्या है बेटा, सिंगुलर नंबर यानी मैनी फॉर्म नहीं है, क्योंकि एंड में एस और ई एस नहीं है, इसलिए हमें यहाँ टिक नहीं लगाना है। स्टूडेंट्स रीड एंड लर्न एक्सरसाइज, एंड फर्स्टली रीड द दिस चैप्टर एंड लर्न व्हेन वी एड ई एस, यानी आपको वर्ड के एंडिंग में एक्स एस एच डबल एस एस टी सी एच आदि आपको मिलते हैं तो आपको ई एस लगाना है, और जो आपके वन और मैनी फॉर्म है जिसमें हमें ओनली एस ऐड करना है, ओके, तो आपको वन और मैनी में डिफरेंस आना चाहिए और आपको इनके रूल्स आपको पता होना चाहिए कि हमें कब ई एस लगाना है और कब एस। सो रीड एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर केयरफुली, ओके, एंड डू एक्सरसाइज इन योर बुक नीट एंड क्लीन वर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।